2 साल बेमिसाल। साथियों आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट, हमारा विशेष प्रोग्राम 2 साल बेमिसाल या बदहाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस ग्राम पंचायत में 2 साल में कितना कार्य कराया गया, सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों का कितना लाभ मिला, या सिर्फ कागजों में ही दब कर तो नहीं रह गया विकास। न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गाँव अल्लाह बख्शपुर में विकास कार्यों की पड़ताल करने निकले, जहां हमारे संवाददाता भूपेंद्र सागर ने विकास कार्यों को लेकर पड़ताल की। गांव में काफी जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई, ग्राम विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए गए। गांव में नाले व सड़क निर्माण व पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी पाई गई। इसके साथ साथ गाँव में बने स्कूल में बनी आकृति व शिक्षा भी लाजवाब दिखाई दी। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूँ आपके साथ भूपेंद्र सागर। 2 साल बेमिसाल यह हुआ गांव बदहाल। कितना गांवों में, ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ है, क्या स्कूलों का हाल है, क्या शिक्षा को लेकर प्रधान गंभीर हैं या लापरवाही बरत रहे हैं, किस ग्राम पंचायत में किस तरह के हालात हैं, इन चीजों को हम 2 साल में जितना कार्य हुआ है वो सब आपको दिखा रहे हैं। इस समय मौजूदा जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम पंचायत अल्लाह बख्शपुर में हमारे साथ ग्राम प्रधान नवरतन सिंह प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे कि कितने शिक्षा के लेकिन ये जागरूक है, कितना इन्होंने विकास कार्य कराया, कितना स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने विकास कार्य कराया है, उन सभी बातों को लेकर। भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले न्यूज इंडिया में आए हुए हमारे भूपेंद्र सागर जी और उनकी टीम का मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले प्रधान जी हम बात करेंगे गाँव की सफाई व्यवस्था की। गाँव में सफाई व्यवस्था क्या है, कैसी मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरह के हालात हैं? हमारे गाँव की जो सफाई व्यवस्था है उसमें एक सरकारी सफाई कर्मचारी है, उसमें मैंने देखते हुए गांव की गंदगी के लिए, जो गंदगी दूर होने के लिए 2 प्राइवेट अपने जो अपने तरफ से 2 सफाईकर्मी बढ़ाए हैं, और उसके अलावा मैं सुबह जाकर के मॉनिटरिंग करता हूं, जो जहां पर मुझे गंदगी या कोई ऐसा कूड़ा गलत जगह पड़ा है उसकी मॉनिटरिंग करके और मैं सफाई कर्मियों के लिए अवगत कराता हूँ कि आप इसे यहाँ सफाई करें, और सफाई पे विशेष ध्यान करता हूँ कि ताकि गांव बीमार ना हो, कोई बीमारी ना फैले, कोई रोग ना हो। आपने अब तक 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य कराए? 2 साल के कार्यकाल में सबसे पहले मेरा कार्य है जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र PHC सेंटर, वहाँ पर इतनी समस्या का सामना कि जो भी थोड़ी सी बारिश होती थी वो पानी उसके अंदर कमरों के अंदर जाता था, तो उसकी रिपेयर कराई। उसमें हमने जो इंटरलॉकिंग कार्य कराया, गेट लगवाया, और जो हमारी डेंटिंग पेंटिंग का काफ़ी कार्य कराया जो स्वास्थ्य केंद्र पर। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र को लेके वहाँ भी समस्या थी, वहाँ पर मैंने वोल्टेल और इंटरलॉक इनकी व्यवस्था कराई। उसके बाद गांव के अंदर कोई अप्रिय घटना ना घट जाए उसे देखते हुए मैंने CCTV कैमरों की व्यवस्था कराई, उससे मेरे गाँव के लिए काफ़ी ये समझो कि इतनी सुविधा मिली है कि कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हो सकती। उसमें कैमरों की मदद से गांव बहुत शांतिप्रिय है, कोई चोरी चकारी कोई गलत काम नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं। उसके बाद मैंने स्कूल में देखा कि स्कूल में भी पानी भरता है और वहां पर कमरों की हालत कमजोर थी। प्राथमिक विद्यालय में कौन सा? जी प्राथमिक विद्यालय में उसमें छत की रिपेयर कराई और डेंटिंग पेंटिंग का कार्य कराया, और जो आगे पानी आता था उसके लिए मैंने एक दीवार लगवाई, तो वहाँ भी काफ़ी कार्य किए। अब उसके बाद एक हमारे गांव के लिए जो सरकार ने योजना चलाई जो बच्चों के लिए व्यायाम के लिए और बड़ों के लिए, वो हमने अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर उसकी व्यवस्था कराई है, और बच्चों के लिए जो खेल कूद के हैं वो साधन हैं उसमें बच्चों के लिए काफ़ी अग्रसर होने के लिए मौका मिलता है। बच्चे सुबह जाते हैं और शाम के नंबर में भी जाके व्यायाम करते हैं। और सड़कें वगैरह या खरंजे वगैरह टेल वगैरह कहीं कुछ लगा? हाँ, उसमें मैंने गांव के अंदर 2 रास्ते इतने गंदे रहते थे, उन पे जल भराव होता था, एक तो सतप्रकाश के यहाँ से नजरू की चक्की तक उस रास्ते को मैंने रिपेयर कराया, और एक उम्मीद की दुकान से हसनैन मुखिया जी हैं उनके मकान तक उस रास्ते को उठवाया। एक स्कूल के बराबर में मैंने नया इंटरलॉक जो कि लास्ट में अबरार के मकान तक उसे मिलाया, और उसके अलावा मैंने छोटे छोटे 2 खरंजे और भी लगवाए हैं जो नजरू हर का मकान पड़ता है शुरू का, उसमें गौशाला को रास्ता जाता है उस पर छोटे छोटे 2 रास्ते वो भी लगवाए इंटरलॉक के। और इसके अलावा अब मेरा आगे विकास का ये मन है कि गांव के अंदर मैं लाइट की व्यवस्था कराऊं, और पेयजल के लिए जो हमारा ये वाटर कूलर हैं
इसका मैं जैसे ही आगे थोड़ा हमारा धन प्राप्ति होती है हमारे कोटे में तो मैं इन कामों को कराऊं। बाकी मेरा ये प्रयास है कि गांव विकास की तरफ अग्रसर हो। अच्छा प्रधान जी, शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं आप? जो प्राइमरी में गरीब किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें क्या पुस्तकालय की व्यवस्था है? कितने जागरूक हैं आप? कितने लोगों को जागरूक करते हैं शिक्षा के लिए? बेटियों को जागरूक करते हैं, उसमें क्या बताएंगे? शिक्षा के लिए मेरा उद्देश्य पहले से ही, क्योंकि मैंने भी बीएड किया है, शिक्षा से मैं काफ़ी लगाव रखता हूँ। मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था है जो हमारे पूर्व प्रधान फारूक जी ने उसका निर्माण कराया था, उनके कार्यकाल में हुआ। अब मैं चाहता हूँ प्रथम तो कि मेरे प्रधान जी ने पाँचवीं तक का कराया, मैं सोचता हूँ कि कक्षा 8 और 10 तक का कोई विद्यालय का निर्माण हो और गरीब किसान मजदूर के बच्चे उनके पढ़ने के लिए जो व्यवस्था, बच्चे कोचिंग करने जाते हैं तो उन किताबों की व्यवस्था, मैंने सोचा कि बच्चे कहाँ पढ़ें, तो योजना चलाई गवर्नमेंट ने एक लाइब्रेरी की, जो हमने अपने ग्राम पंचायत घर पर लाइब्रेरी की सुविधा कराई है। उसमें बच्चे फ्री की किताब पढ़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा जागरूक होने के लिए जो उत्साह बढ़ता है। और मैं घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन से मिलता हूँ कि हमारे जनपद में बेटियों का इतना अच्छा स्कोप है कि बेटियाँ राज कर रही हैं, के DM साहिबा हैं वो बेटी, जो हमारी विकास प्रेरणा सिंह है मुख्य विकास अधिकारी वो बेटी, जो हमारे यहाँ सीमा सिंह है वो बेटी। तो मैं समझता हूँ कि बेटियों को, बेटियाँ आगे बढ़ें और कल आने वाला कल डिप्टी कलेक्टर DM SDM जो भी तहसीलदार, हमारे गांव से भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा पढ़ लिख कर बेटियाँ भी आगे नाम रोशन करें। शिक्षा को लेकर मैं काफ़ी अग्रसर रहता हूँ, बार बार मैं बच्चों के गार्जियंसों से मिलता भी हूँ और शिक्षा के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हाई स्कूल इंटर का कोई ना कोई नए विद्यालय का निर्माण हो। अच्छा प्रधान जी, अब ये तो बहुत अच्छी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार भी काफ़ी मेहनत कर रही है और आप लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हो। अब ये बताएं आप, अब आगे आने वाले जो 3 वर्ष आपके बच्चे हैं, इनमें सबसे पहले मुख्य प्राथमिकता क्या आपकी रहेगी? क्या ऐसा कार्य गांव में होना चाहिए कि जो आपने सोच रखा है? सबसे मुख्य कार्य अब 3 वर्ष हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा कुछ भाग्य ऐसा रहा कि इस बार पीछे से धन भी कम आया है, लेकिन उम्मीद यह है कि आने वाले वर्षों में कि सरकार भी विकास की तरफ ध्यान दे और अच्छा पैसा आए। तो मेरा मुख्य सबसे पहले गाँव में लाइटें और जो पानी के लिए बच्चों के लिए ये हमारे वाटर कूलर और जो रास्तों में जल भराव रहता है जगह जगह, उन पर मेरा विचार है कि कहीं भी गांव के अंदर कोई जल भराव ना हो, गंदगी ना रहे, सभी रास्तों को मैं दुरुस्त कराऊं और गांव के अंदर जो गली रास्ते हैं सभी बिल्कुल फ्रेश रहने चाहिए, गांव में कोई समस्या ना हो। और जो गरीब हैं उनके लिए कोई आवास नहीं है, ज़्यादा गरीब है उसके लिए कोई आवास की योजना आए, उनके लिए मकान बनाया जाए, उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वो भी बेचारे अपना मकान में रह सके, ये मेरा प्लान है। और आगे गाँव को मैं बहुत स्वस्थ और सुंदर बनाने के चाह में मेरा ये प्रयास है कि मेरा सरकार से ये विनती भी है कि जो पैसा आए आगे उसे विकास गाँव में एक शिक्षा के और स्वास्थ्य के और रास्तों की तरफ सही अग्रसर हो। जी बहुत अच्छा प्रधान जी, ये थे प्रधान जी हमारे साथ नवरतन सिंह जो भद्रका से प्रधान हैं, आगे भी अल्लाह बगसपुर से सॉरी, और आगे भी हमारे साथ बने रहिए, अगले ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। अगला गांव आपका हुआ और कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कितना कार्य हुए, कितने विकास कार्य हुए, उन सभी को लेकर मैं हूँगा आपके समक्ष। भूपेंद्र सागर के साथ गढ़मुक्तेश्वर से फदर चौधरी की रिपोर्ट।